खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रशियन के द्वारा और यहाँ को वहाँ से यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस हो उसके लिए बढ़ाने के लिए काम किया गया है। किस तरह का बिजनेस हो, क्या बिजनेस हो? टिम्बर से रिलेटेड, टिम्बर लकड़ी इंपोर्ट वहाँ से बहुत आता है, सॉफ्ट वुड होता है पाइन वुड, तो पाइन वुड का काम यहाँ पे ज़्यादा कैसे से कैसे गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ से बढ़े इंपोर्ट उसके लिए किया गया। तो क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है वहाँ का, यहाँ में क्या मतलब, क्यों लोग इस तरह से यहाँ पे अपने यहाँ इंडिया में पहली बात तो टिम्बर बैन है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सॉफ्ट वुड यहाँ पे इतना नहीं होता है जितना बाहर है, रसिया वगैरह में बहुत होता है, कोल्ड वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से, तो उसके हिसाब से पाइन वुड वहाँ से यहाँ पे इम्पोर्ट बहुत आता है। तो हम वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ करने वाले एग्जीबिशन के लिए, आपने कहा कि वहाँ पे बैन है हमारा, टिम्बर हम यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे, एक्सपोर्ट नहीं हो सकता वहाँ पर, तो किस तरह का मतलब वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पर किस तरह की यूज़ होगी, मतलब टोटल वहाँ से बहुत यहाँ पे जितना भी यहाँ पे फर्नीचर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे जहाँ जहाँ पे यूजेज है ना, सब वहाँ से पाइन वुड इम्पोर्ट आता है और यहाँ पे सब इंडस्ट्री में यूज होता है। और किस तरह से अवेलेबल होगा और गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह का ऑलरेडी अभी आ रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब है कि उसको वॉल्यूम कैसे बढ़ सकता है, ऑलरेडी इम्पोर्ट आ रहा है बट वो अब बल्क कैसे बढ़ेगा और उसके ऊपर डिपेंड है। एक्चुअली वी इनवाइटेड हियर रशियन बिजनेसमैन एंड इंडियन बिजनेसमैन हु आर इन वुड बिजनेस हु interested in Indian and Russian businessmen who interested in constructing a business on Russian wood industry. Russian wood industry has very wide range of offers, starting from lumber, timber, plywood, wooden houses, glue lam, whatever. Russia is very rich with woods, and we have a big offer on the market. And as far as I know, India has very great demand of wooden products. So that's why we decided to make this business mission for Russian companies to India, which represent wood industry. Thank you. So this is a very good response right now. So we have many companies who came here, not only from the wooden business, but also we invited people from related business like customs, like logistics, like banks, because so all it's not just possible to be in wood business. Definitely you will touch such kind of spheres like logistics and the financials. So that's why here we have representatives of banks and logistic companies. So and we have very good response right now as far as I can see. So after our pitch session of Russian companies with presentations, now we have discussion between Russian and Indian companies, and this discussion is very hot, I can say. All the guys are busy right now. There are no free guy who is just walking around and roaming and drinking tea or whatever. All the guys are busy with the conversations and talks. You can see around and you will see that. हम लोगों ने ये जो शुरू किया है इसीलिए कि रसिया से ज़्यादा लोग आ सके, आके एक्सपोर्ट बढ़ा सके, यहाँ पे अपने गुड्स को ले आए, यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी हो सके वहाँ से जो लोग अपना सामान लेके आए, और यहाँ पे मार्केट, इंडियन मार्केट तो बहुत बड़ी है। इंडियन मार्केट में हर चीज़, किसी भी चीज़ को
मतलब पॉपुलेशन जहाँ पे होगा वहीं पे मार्केट है और वहाँ पे लकड़ी बहुत है, तो हम लोगों ने इसीलिए लकड़ी को ही टारगेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम चीज़ों में यहाँ पे लकड़ी पसंद होती है। और कहीं भी देख लेंगे, जैसे आप अपने अगल बगल ही देख लो, हर जगह इंटीरियर में आजकल लकड़ी यूज होती है, सबको वुड अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो ठीक है, लकड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करते हैं और रशियन मार्केट को यहाँ पे हब बनाने का सोच रहे हैं कि यहाँ पे हब बन जाए। इसमें देखिए, हम लोग सरकार को डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, बट इसमें हम लोग जैसे जितने भी बिजनेसमैन आ रहे हैं वहाँ से, उनको ये डायरेक्ट फायदा ये हो रहा है कि डायरेक्ट इम्पोर्टर से वो मिल रहे हैं। क्लाइंट का क्या मेंटलिटी है, क्लाइंट को क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, कोई बीच में एजेंट नहीं है। जो हम लोग चाह रहे हैं कि बीच में कोई आदमी ना हो, कि बीच में कुछ miscommunication or miscommunication ke bina sara sab kuch chalta rahe. Yeah, no, first of all I would like to greet all the participants of this round table on timber. I would like to say this was the first this kind of round table between Indian and Russian companies on timber industry. Not far long ago we have the video conference between Indian and Russian companies in wood industry. It was 2 months ago, and today's event is the logical continuation of this effort. So for us it's very important to promote Indian Russian trade to nowhere. We have ambitious goals to increase the Russian-Indian trade over up to $30 billion from the existing $11 billion, and we would like to do it by the year 2025. And this goal. Was set by the leaders of our countries. And I would like to note that cooperation between Russian and Indian companies in wood industry is one of the priorities to achieve these objectives. So, of course, when we are talking about trade in wood and wood products, now trade is not sufficient. We are talking about figures like $16 million in 2018. But I would like to emphasize that in 2018 there was a significant increase in export of wood products to India. So this event is the good platform to establish B2B connections between Indian and Russian companies.